हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में जिसमें हम समझेंगे स्ट्रेस स्ट्रेसर्स स्ट्रेस साइकिल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एडाप्टेशन टू स्ट्रेस और कोपिंग विथ स्ट्रेस इंट्रोडक्शन स्ट्रेस इज इस यूनिवर्सल फिनोमिना ऑल पीपल एक्सपीरियंस इट स्ट्रेस यूनिवर्सल है जितने भी लोग हैं यूनिवर्स में हर किसी को स्ट्रेस होता है parents refers to stress of raising children working people talk with the stress of their job a student at all level talk about the stress of school jo parents hain unko apne jo bacche hain unko bada kar rahe hain pal rahe hain uske stress ke bare mein batate hain jo working people hain wo batate hain ki unko kaam ka kitna stress hai student जो school के बच्चे हैं या college के बच्चे हैं वो बताते हैं कि उनको school या college में कितना stress है पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस कैन भी रिजल्ट फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस अब ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है तभी हम स्ट्रेस फील करते हैं कुछ पॉजिटिव इवेंट भी हैं वो भी हमको स्ट्रेस दे के जाते हैं जैसे कि ब्राइड प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग ग्रूम या ब्राइड कोई भी अगर शादी कर रहा है लड़का या लड़की उसको स्ट्रेस होता है ग्रेजुएट प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट न्यू जॉब या बिजनेस कोई ग्रेजुएट है उसने अपना न्यू जॉब स्टार्ट किया है या कुछ न्यू बिजनेस डाला है उसको स्ट्रेस होगा ही हस्बैंड कंसर्न अबाउट केयरिंग फॉर हिज वाइफ हजबैंड है वो अपनी वाइफ की केयर के बारे में सोच रहा है उसके डिमांड्स हैं या जो भी हैं ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है अपनी फैमिली को फैमिली की जरूरतें पूरी करनी है तो उसके बारे में सोच के भी उसको स्ट्रेस होगा ही तो स्ट्रेस यूनिवर्सल फिलों है हर किसी को होता है स्ट्रेस पॉजिटिव और निगेटिव इवेंट हमारी लाइफ में कुछ भी होते हैं उन दोनों से हमको स्ट्रेस मिल सकता है या मिलता है स्ट्रेस इज स्टेट स्ट्रेस एक अवस्था है या स्थिति है प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंज इन द एन्वायरमेंट जब भी आपका एनवायरमेंट चेंज होता है आपका जो भी कम्फर्टेबल एनवायरमेंट है वो चेंज होगा तो आपको स्ट्रेस होगा दैट इज़ परसिव्ड एज अब वो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसको आप परसीव कर रहे हैं कैसे चैलेंजिंग थ्रेटनिंग डैमेजिंग टू अ पर्सन डायनामिक बैलेंस और इक्लिब्रियम आपको उसमें कुछ नए चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं यानी कि पहले आप ज़्यादा कंफर्टेबल थे लेकिन आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है अब आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा जैसे कि कई बार हम स्कूल चेंज करते हैं हम कॉलेज चेंज करते हैं हमारे पुराने दोस्त हमसे बिछड़ जाते हैं टेंथ से एलेवेंथ में आए ट्वेल्थ से आपने कॉलेज में आपने एंट्री ली तो ये कुछ स्थिति थी आप जहाँ पर आपका एन्वायरमेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ था या है स्ट्रेसर स्ट्रेसर मतलब होता है ऐसे स्टिमुलस जिनकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है अब स्ट्रेस डिपेंड करता है हमारी मेंटल एबिलिटी हमारी मानसिक क्षमताओं पर दो पर्सन को एक पर्टिकुलर स्ट्रेसर से सेम लेवल का स्ट्रेस हो ये जरूरी नहीं है जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने पिछली क्लास में दिया है कहीं पे कि अगर दो बच्चों को मैं क्लास से बाहर भगाऊँ एक बच्चा बाहर जा रोता है और एक बच्चा बाहर जा खुश हो जाता है तो स्ट्रेसर तो सेम था दोनों को क्लास से बाहर भगाया है सेम सिचुएशन है लेकिन एक उसको जॉय के रूप में परसीव कर रहा है और एक उसको इंसल्ट के रूप में रूप में परसीव कर रहा है तो स्ट्रेसर सेम हो सकता है पर उसका इफ़ेक्ट अलग अलग होगा अलग अलग लोगों पे। स्ट्रेसर कैन बी एनी स्टिमुलस डेट कॉज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस स्ट्रेसर कोई भी स्टिमुलस जिसकी वजह से किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है स्ट्रेसर बोलते हैं थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेस आर कैटास्ट्रोपिक इवेंट इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट ये पर्सनल स्ट्रेसर होते हैं डेली हैसल्स बैकग्राउंड स्ट्रेसर एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे सबसे पहले है कैटास्ट्रोपिक इवेंट द कैटास्ट्रोपिक इवेंट लार्ज स्केल डिजास्टर दैट अफेक्ट न्यूमरस पीपल एंड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज कुछ बहुत बड़ा इवेंट होता है बहुत बड़ा डिजास्टर होता है जिसकी वजह से काफी लोग अफेक्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोपिक इवेंट जैसे कि अर्थक्वेक हरिकेन वॉर टॉक्सिक वेस्ट अभी भी हम देख रहे हैं एक कैटास्ट्रोपिक इवेंट ही चल रहा है कोरोना कंटामिनेशन यानी इन्फेक्शन जो भी है न्यूक्लियर एक्सीडेंट जापान में हुआ था स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय कैटास्ट्रोपिक इवेंट इज शेयर्ड बाय अदर्स अब जो कैटास्ट्रोपिक इवेंट है इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है प्रोड्यूस होता है अब क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं तो जो स्ट्रेस आपको भी है वही सामने वाले को भी है हु हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द disaster. दिस परमिट पीपल टू ऑफर वन अनदर सोशल सपोर्ट अब क्योंकि ये काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर रहा है और सेम एक्सपीरियंस हर किसी को वहाँ पर जो भी अफेक्टेड है उन लोगों को हो रहा है जिसकी वजह से आपको सोशल सपोर्ट मिलता है एक दूसरे का सहयोग मिलता है क्योंकि वो भी वही फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट सेकेंड है सेकेंड स्ट्रेसर है मेजर लाइफ इवेंट सच एज डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर लॉस ऑफ जॉब डायग्नोसिस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पेरेंट और रिलेटिव इन फैमिली गेटिंग वेरी सिख ब्रेकिंग अप विद अ क्लोज फ्रेंड स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल मूविंग टू अ न्यू होम और न्यू सिटी स्टार्टिंग अ न्यू जॉब ब्रदर और सिस्टर्स गेटिंग मैरिड कुछ इवेंट हैं हमारी लाइफ में जैसे कि फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाना नौकरी चले जाना कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, यानी ऐसी इलनेस जिससे आपकी जान जाने का खतरा है लाइक like कैंसर वो डायग्नोज हो गया किसी को आपको या आपके परिवार में किसी को पेरेंट और रिलेटिव फैमिली इन फैमिली गेटिंग वेरी से पेरेंट्स या कोई रिलेटिव है आपकी फैमिली में उन बहुत बीमार हो चुके हैं ब्रेकिंग अप विद अ क्लोज़ फ्रेंड आपका जो क्लोज़ फ्रेंड है उनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है कोई न्यू स्कूल आपने ज्वाइन किया है न्यू होम या न्यू शहर न्यू सिटी में आप पहुंच गए हैं न्यू जॉब स्टार्ट किया है आपका भाई या आपकी बहन शादी कर रहे हैं ये मेजर लाइफ इवेंट है जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है टिपिकली पर्सनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इमीडिएट मेजर रिएक्शन अब ये जो पर्सनल स्ट्रेस है इमीडिएट मेजर रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं तुरंत फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस अराइजिंग फ्रॉम द डैथ ऑफ लवड वन अगर आपका कोई परिचित है जिसको आप बहुत चाहते हैं उसकी डेथ हो जाती है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा वन टेन टू बी ग्रेटेस्ट जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ डेथ अब एट द टाइम ऑफ डेथ उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा बट पीपल बिगिन टू फील लेस स्ट्रेस्ड एंड आर बेटर एबल टू कोप अप विद द लॉस आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाता है वक्त गुजर जाता है लोग कम स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं और पहले से बेहतर महसूस करते हैं और कोप अप विद द लॉस यानी कि उनका जो लॉस हुआ है उसके साथ कोप अप कर लेते हैं कोप अप मतलब होता है उबर जाना यानी कि जो उनके साथ घटना हुई थी उससे वो उबर जाते हैं डेली हैसल्स डेली हैसल्स मतलब कि ये रोज़ का जो लगा रहता है स्ट्रेस दीज आर द माइनर इरीटेंट ऑफ लाइफ छोटे छोटे इरीटेंट हैं दैट वी ऑल फेस टाइम एंड टाइम अगेन जो कि हम हमेशा फेस करते ही रहते हैं दैट ट्रैफिक डिले ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं आप नॉइस पॉल्यूशन शोर हो रहा है कहीं पे वेदर आपको पसंद नहीं गर्मी बहुत तेज़ हो गई है या बहुत बारिश हो रही है सोशल इवेंट कुछ है वर्क डिमांड काम में कुछ आपका जहाँ पे आप जॉब कर है रहे हैं या जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे कुछ डिमांड है जो आपको कुछ फुलफिल करना है आप नहीं कर पा रहे हैं डिसटिस्फैक्शन विथ स्कूल और जॉब आप अपने स्कूल कॉलेज या जॉब के साथ सेटिसफाइड नहीं है बींग इन अनहैप्पी रिलेशनशिप आपकी एक रिलेशनशिप है जिसमें आप खुश नहीं हैं पीपल्स इरीटेटिंग बिहेवियर कुछ लोग हैं जो काफ़ी इरीटेटिंग हैं और आपको उनके साथ रहना और बात भी करनी पड़ती है उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग है नॉट इनफ टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है टू मैनी थिंग्स टू टू बहुत सारे काम है आपके पास करने के लिए समझ में नहीं आ रहा क्या करें कंसर्न अबाउट द स्टैंडर्ड अपने स्टैंडर्ड के बारे में कंसर्न है टू many रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सो ऑन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं बाय देम सेल्फ डेली हेसल डू नॉट रिक्वायर मच कोपिंग एफर्ट अब ये जो डेली हेसल्स हैं इनके लिए हमको बहुत ज़्यादा कोपिंग एफर्ट नहीं डालना पड़ता है अब हम समझेंगे स्ट्रेस साइकिल स्ट्रेस साइकिल शुरू होती है स्ट्रेसर से जो भी हमने बात करी तीन टाइप के स्ट्रेसर होते हैं तो उनमें से सब कोई सा भी स्ट्रेसर आपके सामने आता है तो स्ट्रेसर फिर रिएक्शन टू स्ट्रेस उस स्ट्रेस को हम कैसे रिएक्ट करते हैं वेयर एंड टेयर ऑन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम रिड्यूस्ड ऑप्टिमम हेल्थ इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस अब ये साइकिल हम देख लेते हैं और आगे चल के एक एक करके इनको हम समझते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको देखते हैं स्ट्रेसर से शुरू करते हैं स्ट्रेसर हम जानते हैं कोई भी ऐसा इवेंट या स्टिमुलस जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है स्ट्रेसर कहलाता है स्ट्रेसर कैन बी एनी स्टिमुलस दैट कॉज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस कोई भी स्टिमुलस जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है वो स्टिमुलस स्ट्रेसर है इनक्लूड पॉजिटिव और निगेटिव लाइफ इवेंट अब इसमें दोनों आते हैं पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव लाइफ इवेंट भी आते हैं है ना जैसे हमने देखा था कि किसी की डेथ से भी हमको स्ट्रेस हो रहा है हमारी शादी से भी हमको स्ट्रेस हो रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है एग्जांपल मैरिज डेथ डाइवोर्स न्यू जॉब नई जॉब लगती है आपको है पॉजिटिव और स्ट्रेस तो होता है ना अब इसको कैसे हम आ, कम कर सकते हैं वे टू रिड्यूस स्ट्रेस क्या तरीके हैं इस स्ट्रेस को कम करने के लिए अवॉइडिंग और मैनेजिंग द स्ट्रेस या तो स्ट्रेसर को अवॉइड कर दो या उसके साथ मैनेज करो शादियों में अक्सर करते हैं लोग यूजिंग वॉट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ थिंक कीजिए सोचिए और यूज कीजिए कि लाइफ में क्या जरूरी है टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट रखिए ताकि सही आप सारे काम सही समय पर कर पाएँ सिंपल लिविंग एकदम साधारण तरीके से रहिए और लर्निंग टू से नो बहुत सारे आ, मैंने पर्सन ऐसे देखे हैं जिनको स्ट्रेस होता है क्योंकि वो हर किसी को हाँ बोल देते हैं किसी ने पैसे उधार मांगे आप मना नहीं कर पाए अरे नहीं उसको बुरा लग जाएगा पर हम देना भी नहीं चाहते हमको मालूम है क्योंकि हमको वापस नहीं करेगा पर उसको बुरा नहीं लग जाए इस वजह से हम दे देते हैं दे देते हैं और हम अपने दिमाग में स्ट्रेस ले लेते हैं किसी को कोई ड्रेस चाहिए हमारी हमको देने का मन नहीं है पर उसको बुरा नहीं लग जाए रिलेटिव है हम दे देते हैं ठीक है तो उससे हमको स्ट्रेस होता है तो लर्निंग टू से नो यानी कि ना कहना सीखें जो काम जिसमें आपको हाँ कहने में स्ट्रेस होगा बुरा लगेगा तो ना कहना ही बेहतर है तो ना कहना सीखें इस तरीके से हम स्ट्रेस को रिड्यूस या कम कर सकते हैं स्ट्रेस साइकिल में पहला था स्ट्रेसर जिसको हमने समझ लिया है दूसरा देखते हैं रिएक्शन टू स्ट्रेस वन देर इज स्ट्रेसर आवर बॉडी विल रिएक्ट टू इट अगर हम कहीं पे स्ट्रेसर है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उस, उसके लिए रिएक्शन टू स्ट्रेस रिलेटेड टू परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेस अब रिएक्शन किस तरीके से करेंगे ये डिपेंड करता है या रिलेटेड है परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेस फिर से भाई एग्जाम्पल याद करो स्कूल वाला या क्लास वाला दो बच्चों को बाहर भगाया कि दोनों ने अलग अलग तरीके से उस स्ट्रेसर को परसीव किया क्योंकि एक खुश है एक दुखी है है ना तो स्ट्रेस स्टिमुलस को हम किस तरीके से परसीव करते हैं रिएक्शन टू स्ट्रेस डिपेंड करेगा उसके ऊपर व्हेन अ पर्सन फील स्ट्रेस्ड फ्रॉम द स्ट्रेसर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड फील कर रहा है किसी स्ट्रेसर की वजह से द बॉडी बिगिनस टू रिलीज केमिकल्स टू कम्फर्ट द स्ट्रेसर तो हमारी जो बॉडी है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है ताकि हम उस स्ट्रेसर के लिए कंफर्ट फील करें रिड्यूसिंग द रिएक्शन टू स्ट्रेस अब इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है आस्किंग गॉड फॉर हेल्प हम गॉड से ऊपर वाले से हेल्प मांग सकते हैं मनी मन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी आध्यात्मिक प्रैक्टिस हैं वो कर सकते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ किया जा सकता है रीफ्रेमिंग द प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसको रीफ्रेम करके देखें यानी कि हम जैसा देख रहे हैं वैसे ही है या इससे छोटी तो नहीं है या हम किसी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा चढ़ा कर देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं तो उसको रीफ्रेम करके देखेंगे विजुलाइजेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है उसका क्या रिजल्ट हो सकता है मतलब प्रॉब्लम आई है आपको स्ट्रेस हो रहा है ठीक है लेकिन ऐसा तो नहीं कि उस प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो पहले उसका रिजल्ट देख लीजिए बाद में मालूम चला उसका रिजल्ट तो इतना सही था हमने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया तो उसका रिजल्ट सोच कर देखिए विजुलाइज कीजिए वेयर एंड टेयर ऑन द बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम वैन पर्सन बिकम स्ट्रेस एंड डज नॉट करेक्ट द स्ट्रेसर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है और उसने जो स्ट्रेसर है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसको करेक्ट नहीं किया है द सेम स्ट्रेस रिएक्शन विच हैप कोप इन द बिगिनिंग स्टार्ट टू वेयर वन सेल्फ डाउन तो जो स्ट्रेस रिएक्शन हमने दिया था जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल कम हुआ था वो यहाँ पर वेयर डाउन होने लग जाएगा यानी कि आप यूज़ नहीं अब उस स्ट्रेस रिएक्शन से आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा और आपको फिजिकली कुछ ना कुछ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा अब इसको कैसे ठीक किया जाए रेमेडीज इम्प्रूविंग डाइट अपना डाइट इम्प्रूव करना है रेगुलर एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन ऑल दीज एक्टिविटी रिड्यूस द इमोशनल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस अब वेयर एंड टेयर हो रहा है यानी आपकी बॉडी को फिजिकल इफ़ेक्ट हो रहा है नुकसान हो रहा है कुछ ना कुछ तो ये प्रैक्टिस अगर हम करेंगे डाइट रेगुलर एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन तो इसकी वजह से इमोशनल और फिजिकल इफ़ेक्ट जो हो रहा है स्ट्रेस का वो कम हो जाएगा रिड्यूसिंग ऑप्टिमम हेल्थ आफ्टर अ सस्टेन पीरियड ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस द बॉडी वेयर डाउन विच कैन बी इन्वाइट मोर सीरियस डिसीज अब क्रोनिक मतलब क्या है एक्यूट और क्रोनिक दो टर्मिनोलॉजी होती है आप आगे अलग अलग सब्जेक्ट में देखेंगे एक्यूट मतलब होता है रिसेंटली अभी से क्रोनिक मतलब काफ़ी पहले से तो क्रोनिक स्ट्रेस यानी कि काफ़ी लंबे समय से समय तक स्ट्रेस अगर चल रहा है तो वो कुछ और सीरियस डिसीज़ को इनवाइट कर लेता है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम डायबिटीज़ स्किन कंडीशन अस्थमा अर्थराइटिस डिप्रेशन एंड इवन कैंसर मैनी डिसीज़ आर एसोसिएटेड विथ क्रोनिक स्ट्रेस रेमिडीज़ क्या उपाय है इनके कंसल्टिंग एलोपैथिक होम्योपैथिक डॉक्टर जो भी आपके एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपिस्ट एक्यूपंचरिस्ट, नेचुरोपैथ जिससे भी आप चाहें उनसे मिलकर अपनी हेल्थ को रीगेन करना स्टार्ट करें यानी अपनी हेल्थ को सुधारना शुरू करें इनक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस सेंसिटिविटी मतलब है किसी नॉर्मल स्टिमुलस के लिए ओवर रिएक्ट करना या ज़्यादा रिएक्ट करना वाइल वंस बॉडी इज वॉन डाउन एंड इमोशन वॉन एंड एग्जॉस्टेड सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस इंक्रीज अगर कोई शारीरिक मानसिक रूप से, से परेशान है एग्जॉस्ट हो गया है थक चुका है तो उसकी स्ट्रेस को लेकर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है ओवर टाइम आ स्मॉलर स्ट्रेसर इनिशिएट सेम स्ट्रेस रिएक्शन दैट अ बिग इवेंट यूज टू गेट जिसकी वजह से क्या होता है छोटा सा स्ट्रेसर बहुत बड़ा रिएक्शन क्रिएट कर देता है जैसे अगर आपको कोई बड़ा इवेंट होता है आपके साथ बड़ी कोई घटना होती है आप जो रिएक्शन देते हैं वैसा ही रिएक्शन छोटे से स्ट्रेस की वजह से आप देना शुरू कर देते हैं या दे देते हैं जैसे कि अगर आप आ, अपने कॉलेज से थके हुए आए हैं या कोई परेशान है किसी चीज़ को लेकर बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और कोई आपको ज़रा सा पिंच कर देता है जरा सा स्ट्राइक कर देता है तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि आप पहले से ही बहुत परेशान हैं इसको हम बोलते हैं इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस रेमेडी क्या है ट्राई डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा परेशान है जरा सा स्ट्रेस आ रहा है बहुत रिएक्ट कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है अगर स्ट्रेस आता है तो ट्राई डीप ब्रीदिंग गहरी गहरी सांस लेना है खुद को काम क्वाइट करने की कोशिश करना है और मेडिटेशन ध्यान योग इसके अलावा टॉकिंग वॉक्स टॉकिंग वॉक्स मतलब होता है चलते फिरते बात करना लोगों से अपने नॉन लोगों से पहचान वालों से और टॉकिंग विथ फ्रेंड अपने दोस्त से या जो भी ऐसा कोई है आपका करीबी जो आपकी बात सुनता है और समझता है सही सलाह देता है उससे बात करें जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस कम हो सकती है तो ये हमने समझ लिया है स्ट्रेस साइकिल अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस इज़ नॉट ओनली हार्मफुल इनफैक्ट अब अभी तक हम सब नेगेटिव चीज़ें ही दिख रहे हैं स्ट्रेस के बारे में लेकिन स्ट्रेस हमेशा हार्मफुल नहीं होता है इनफैक्ट इट इज़ रिकग्नाइज दैट लो लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन एनी वन हेल्प फॉर बेटर परफॉर्मेंस यानी कि लो लेवल स्ट्रेस कम लेवल का स्ट्रेस अगर आपको होता है या रहता है तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है इम्प्रूव होता है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन ओनली इफ ही और शी हैज़ सम स्ट्रेस टाइम टेबल आता है आपको स्ट्रेस होता है तभी आप पढ़ाई करते हैं तभी आपके अच्छे नंबर आते हैं है ना लो लेवल स्ट्रेस आपको होता है हाउ एवर एक्सेसिव लेवल ऑफ स्ट्रेस आर अनडाउटली हार्मफुल बहुत ज़्यादा आपका आपको स्ट्रेस है तो वो हार्मफुल ही होता है हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस समझने वाले हैं अब पीपल अंडर स्ट्रेस may नॉट इंगेज इन पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर एंड दिस may लीड टू इलनेस आप अगर स्ट्रेस्ड हैं परेशान हैं तो आप जो भी पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर कर रहे थे वो आप नहीं करेंगे जिसकी वजह से इलनेस, यानी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है वैन वी आर stressed, वी may लेस लाइकली टू इंगेज इन हेल्दी बिहेवियर जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम हेल्दी बिहेवियर में इंगेज होना नहीं चाहते हैं या नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट टेकिंग एग्ज़ाम्स माना कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो आपका रूटीन क्या हो जाएगा आप रात में अधिक देर तक जागेंगे ज़्यादातर रातों में ही जागेंगे दिन में आप सोएंगे आराम करेंगे कई दिनों तक खाना यानी जो मील से उसको स्किप कर देंगे जंक फूड मैगी खा रहे हैं ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं पैक्ड फूड खाएंगे इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है अल्सर होगा हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिसीज़ इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम अब ये सिर्फ आपके मैगी के खाने से नहीं हो रहा है यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है और स्ट्रेस के इफ़ेक्ट की वजह से हम जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज करना या योगा मेडिसिन जो भी हो गया हेल्दी डाइट लेना वो सब नहीं करते हैं लंबे समय क्रॉनिक अगर स्ट्रेस है तो उसकी वजह से फिर हमको अल्सर आई बी पी हार्ट डिसीज़ इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम हो सकता है ड्यूरिंग स्ट्रेस सम मैन कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड स्मोक एक्सेसिवली अब स्ट्रेस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो एल्कोहल एक्सेसिव एल्कोहल कंज्यूम करते हैं और स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा पीपल अंडर स्ट्रेस स्टॉप नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन एंड बिकम सेडेंट्री जो स्ट्रेस में हैं लोग वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं सैडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब पड़े रहना खाना पीना सोना स्मोकिंग इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसीज एंड एम्फाइसीमा स्मोकिंग की वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसीज या एम्फाइसीमा होता है और अभी तक ऐसा देखा गया है कि कार्डियोवेस्कुलर डिसीज होने के पीछे स्मोकिंग सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा कॉज कारण रहा है हाई फैट डाइट कॉन्ट्रीब्यूट टू मैनी फॉर्म ऑफ कैंसर जो हाई फैट डाइट हम अगर लेते हैं उसकी वजह से कैंसर हो सकता है साथ में कार्डियोवेस्कुलर डिसीज भी होती है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो गया है अब हम बात करने वाले हैं अडाप्टेशन टू स्ट्रेस अडाप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन यानी कि स्ट्रेस को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमारी बॉडी कुछ एक्टिविटी करती है जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेज अब स्ट्रेस को अडॉप्ट करने के लिए हमारी बॉडी एक्टिविटी करती है अलग अलग स्टेज में फर्स्ट है अलाम रजिस्टेंस एंड एग्जॉस्ट ये तीन स्टेज हैं एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे फर्स्ट अलार्म रिएक्शन जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं अलार्म रिएक्शन इज द बॉडीज इनिशियल रिएक्शन टू द स्ट्रेसर अलार्म रिएक्शन क्या है बॉडी का इनिशियल रिएक्शन इनिशियल मतलब होता है शुरुआती अलार्म रिएक्शन बॉडी का शुरुआती रिएक्शन है टू द स्ट्रेसर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स विच कैरेक्टराइज द अलार्म रिएक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग अब क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं शुरुआती लक्षण यही है हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द स्किन एंड विसरा इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगा ब्लड सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा लीवर लीवर कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है एंड रिलीज इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड में रिलीज कर देगा दिस प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू फाइट द स्ट्रेसर अब ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है तो दिस प्रोवाइड द एनर्जी नीडिड टू फाइट द स्ट्रेसर स्ट्रेसर से लड़ने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है वो यहाँ से मिलेगी रेट ऑफ ब्रीदिंग इनक्रीज एंड रेस्पिरेटरी पेसेज वाइडन हमारा ब्रीदिंग रेट जो है सांस लेने की दर है वो बढ़ जाएगी एंड रेस्पिरेटरी पैसेज वाइडन और जो रेस्पिरेटरी पैसेज जगह होती है वो वाइडन यानी कि थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है अकोमोडेट मोर एयर जिसकी वजह से ज़्यादा एयर अंदर आ पाए दिस इनेबल टू बॉडी टू एक्वायर मोर ऑक्सीजन इसके थ्रू हम और ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं सेकेंड है रजिस्टेंस रिएक्शन फर्स्ट अलार्म हो गया सेकेंड हो गया हमारा रजिस्टेंस रिएक्शन द रजिस्टेंस रिएक्शन इज द सेकेंड स्टेज इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इट इज इनिशिएटेड ये सेकंड स्टेज है इट इज़ इनिशिएटेड बाय रेगुलेटिंग हॉर्मोन सिक्रेशन बाय द हाइपोथेलेमस ये क्या करेगा ये हॉर्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा जो कि हाइपोथेलेमस से होगा दिस एक्शन हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग अब हमने बात की थी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए हारमोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ कम करना या ज़्यादा करना तो यहाँ पर हार्मोन बॉडी मूवमेंट को या बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से दिस एक्शन हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग अगर मान लो चोट लग गई ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे ब्लीडिंग कंट्रोल करने के साथ आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर कम अपना कम हो जाएगा कम्बाइंड एक्शन ऑफ एच जी एच एंड टी एस एच एच जी एच मतलब होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और टी एस एच थाड स्टीमलेटिंग हारमोन हेल्प टू सप्लाई एडिशनल एनर्जी टू द बॉडी बॉडी को एनर्जी की एडिशनल सप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस रिएक्शन इज सक्सेसफुल इन हेल्पिंग अ स्कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो रेजिस्टेंस रिएक्शन है ये हमें हेल्प करते हैं कोप अप करने में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उससे कोप अप करने में उबारने में ओकेशनली इट फेल्स टू फाइट द स्ट्रेस स्पेशली इफ इट इज टू सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस रिएक्शन फेल हो जाता है कभी कभी ओकेशनली अगर स्ट्रेस बहुत सीवियर है या लॉन्ग लास्टिंग है इन दिस केस जी ए एस गैस मूव्स इन टू थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टन एग्जॉस्टन स्टेज

बॉडी पर काफी हैवी डिमांड आती है सप्लाई के लिए पर्टिकुलरली ऑन द हार्ट ब्लड वेसल्स एंड रीनल कॉटेक्स अब अडाप्टन ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो गया जिसमें हमने जी एस गैस यानी कि जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम के बारे में समझ लिया है अलार्म रेजिस्टेंस, एग्जॉशन अब हम बात करेंगे कोपिंग विथ स्ट्रेस कोपिंग विथ स्ट्रेस कोपिंग अप उबरना कोई बुरी घटना हुई है आपके साथ परेशान थे आप, आप उससे घटना से उबर गए कोपअप कर गए तो कोपिंग विथ स्ट्रेस में हम बात करेंगे कोपिंग रिफर्स टू थाट्स एंड बिहेवियर बी यूज टू हैंडल स्ट्रेस कोपिंग यानी स्ट्रेस से उबरने के लिए हम क्या क्या थाट या बिहेवियर का यूज़ करेंगे कोपिंग इंक्लूड एफर्ट टू कंट्रोल कोपिंग में इंक्लूड होते हैं एफर्ट टू कंट्रोल और रिड्यूस और लर्न टू टॉलरेट द थ्रेट जो भी स्ट्रेस की वजह से थ्रेट आया है खतरा आया है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कम किया जाए या उसको कैसे टॉलोरेट यानी कि सहन किया जाए कोपिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू रोजर एंड नैश कोप अप करने के लिए कुछ तरीके हैं जिनको रोजर एंड नैश ने डिस्कवर किया था जिसको बोला गया कोपिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू रोजर एंड नैश द कोपिंग स्टाइल आर अडाप्टिव एंड माल अडाप्टिव अब इन्होंने बताया कि ये जो कोपिंग स्टाइल है ये अडाप्टिव है और माल अडाप्टिव दो प्रकार की होती हैं डिपेंड uh, करता है डिफर करता है पर्सन टू पर्सन अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन इन अडाप्टिव और माल अडाप्टिव में आप खुद समझ कर फाउंड कर पाएंगे कि आप अडाप्टिव हैं कि माल अडाप्टिव हैं अडाप्टिव स्टाइल अडाप्टिव स्टाइल में हम क्या करते हैं इन्वॉल्व एन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट विथ एक्सपीरियंस हम अपने अनुभव के साथ एनवायरमेंट में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं अडाप्टिव स्टाइल में अब अडाप्टिव स्टाइल में हम क्या करते हैं नॉट सींग अ प्रॉब्लम और सिचुएशन एज थ्रेट कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन आती है तो हम उसको खतरे जैसा नहीं लेते हैं कीपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब अपना एक हंसी मजाक वाला माहौल बना के रखते हैं रिजॉल्विंग द इशू बाय डिवाइडिंग थिंग्स इन टू पार्ट हम जो भी प्रॉब्लम आई है उसको रिजॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डिवाइडिंग थिंग्स इन टू पार्ट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के फिर सॉल्यूशन करेंगे टेकिंग नथिंग पर्सनली दिल पर नहीं लेना कुछ भी पर्सनली कुछ भी नहीं लेते टेकिंग एक्शन टू चेंज थिंग एक्शन लेंगे थिंग्स या जो प्रॉब्लम आई है उसको चेंज करने में टेकिंग वन स्टेप एट टाइम एंड अप्रोचिंग द प्रॉब्लम विथ लॉजिक एक बार में एक स्टेप लेंगे और अप्रोचिंग द प्रॉब्लम विथ लॉजिक जो भी प्रॉब्लम है उसको अप्रोच वहाँ तक पहुँचते हैं लॉजिक के साथ में यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग आउट हाउ टू डील विथ द सिचुएशन अपना जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हैं कि अब इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाए कहने का मतलब ये रोतलू लोग नहीं है प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गिविंग द सिचुएशन फुल अटेंशन एंड ट्रीटिंग इट एज अ चैलेंज जो भी प्रॉब्लम आई है उसको फुल अटेंशन देंगे और उसको चैलेंज जैसा ट्रीट करते हैं अडाप्टिव हमने समझ लिया कोपिंग स्टाइल अब हम समझेंगे माल अडाप्टिव कोपिंग स्टाइल इन्वॉल्विंग फेलिंग टू एडजस्ट टू एनवायरमेंट माल अडाप्टिव में हम एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में फेल हो जाते हैं एंड एक्सपीरियंस अनहैप्पीनेस एज अ रिजल्ट एडजस्ट नहीं करेंगे तो अनहैप्पीनेस मिलेगी लास्ट में अब माल्टे में हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं फीलिंग हेल्पलेस डिप्रेस्ड एंड एंग्री हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं और एंग्री गुस्सा है शोइंग फ्रस्ट्रेशन ऑन अदर पीपल दूसरे लोगों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम एंड सीकिंग सिंपथी फ्रॉम अदर्स अपने आप को तैयार करते हैं कि बुरे सा बुरा क्या होगा मेरे साथ इससे बुरा हो जाएगा इससे बुरा हो जाएगा एंड सीकिंग सिंपथी फ्रॉम अदर्स दूसरों से सिंपथी लेने की कोशिश करते हैं या करेंगे प्रिटेंडिंग देयर इज नथिंग इफ पीपल आस्क लोगों ने पूछा क्या हुआ तो बोलेंगे कुछ नहीं सेटिंग सिंपली एंड होपिंग इट ऑल गोज़ अवे चुप प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग नहीं कर रहे हैं चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं होप कर रहे हैं आशा कर रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स जो प्रॉब्लम है उसको भूल गए कुछ और ही सोच रहे हैं टॉकिंग अबाउट द मैटर एज लिटिल एज पॉसिबल अपनी प्रॉब्लम के बारे में कम से कम बात करने की कोशिश करेंगे ट्रस्टिंग इन फेट एंड बिलीविंग थिंग्स विल बी शॉर्ट दम सेल्व आउट मतलब किस्मत में भरोसा कर रहे हैं और सोच रहे हैं विश्वास कर रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एटीट्यूड थैंक यू